वेलकम बैक। मिस बिजली, दरअसल आपसे ये शिकायत भी है कि बड़े बड़े घरों से तो आप जाती ही नहीं। जाती हूँ, लेकिन बड़े बड़े घरों में और छोटे छोटे घरों में जनरेटर गैप पैदा हो गया है, जिसकी वजह से लोग ये समझते हैं कि मैं नहीं जाती हूँ। क्या क्या पैदा हो गया है? जनरेटर गैप। अच्छा, आप ये बताएं कि KSC आपकी वालिदा और वाबडा आपके वालिद हैं, इन दोनों में से आपको कौन पसंद है? दोनों बड़े ही घपल्ले की जिंदगी गुजार रहे हैं। घपल्ले की जिंदगी? क्या मतलब? दरअसल दोनों अब समझ चुके हैं कि उनका हिसाब किताब इतना बिगड़ चुका है, अब रोजे हिसाब के लिए भी डरते हैं वो। अच्छा, वालिदैन के अलावा आपको कौन कौन बुरा लगता है? मुझे बल्ब बुरे लगते हैं। बल्ब? वो क्यों? वो मुझसे जलते हैं ना, इसलिए। मिस बिजली, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, आप और आपका खानदान अभी तक चेंज नहीं हुए, वैसे के वैसे ही हैं। हेलो बेटा, मेरा खानदान बहुत चेंज हो चुका है। मेरे खानदान में सबसे मॉडर्न मेरे भतीजे तार हैं। तार? तार? अच्छा, वो कैसे? क्या बताऊं, शहर की सड़कों पर नंगे जो पड़े रहते हैं। अच्छा मिस बिजली, करंट लगाने के अलावा आपको और किस चीज से लगाव है? मुझे शेर व शायरी से, बल्कि आपके शायर अनवर फराज ने तो मुझ पर गजल भी लिखी है। शायर अनवर फराज ने आपके ऊपर गजल लिखी है? अच्छा, वो कैसे? रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए, अब तक दिले फहम को है तुझसे उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए। अच्छा भाई, अब मैं जा रही हूँ। कहाँ? चमकने और गिरने। किस पे? ये कल की न्यूज़ बुलेटिन में सुन लेना। तो नाज़रीन, ये तो थी हमारे साथ मिस बिजली। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।